मेरा नाम सोनी यादव है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हमारे गुरुदेव तो अभी साक्षात रूप से इधर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आश्रम में आते हैं क्योंकि हमें यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है। जो इस पूरे संसार में कहीं भी जाओ ऐसी शांति कहीं नहीं मिलती। आज हम गुरुदेव से प्रार्थना करने भी आए हैं कि वो हमारे भी जल्द से जल्द आएँ, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसे गुरुदेव की बहुत ज़रूरत है। बापू जैसा तो कोई कहीं है ही नहीं, इस पूरे दुनिया में कहीं भी कोई नहीं मिलेगा। गुरुदेव तो ऐसे हैं कि हम शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। हम तो आश्रम में इसी उद्देश्य आते हैं कि बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच आएं, उनको जल्द से जल्द हमारे बीच लाया जाए ताकि हमें उनका सत्संग और उनसे गुरु दीक्षा मिले। मैंने तो दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन मुझे गुरुदेव में बहुत श्रद्धा है। मैं शादी के पहले बापूजी के बारे में जानती ही नहीं थी, मेरी ऐसी श्रद्धा नहीं थी तब बापू के प्रति। लेकिन जब कुप्रचार हुआ मीडिया में तब बापूजी के बारे में देखा, तो पति आश्रम जाते थे तो मैं उनको रोकती थी आश्रम जाने के लिए, क्योंकि मीडिया में ऐसे मैंने सुना था। तो मुझे ये सब के बारे में मतलब इतना पता नहीं था कि यहाँ आश्रम में सच्चाई क्या है। तो फिर मैं अहमदाबाद शिविर भरने आई, महिला शिविर थी, तो उस शिविर में आई तो मैं इधर यहाँ आश्रम में आई। तब से आई तो मुझे बहुत शांति हुई, बहुत अच्छा लगा। और देखा सभी बहनों को तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे होता है होगा कि इतनी सारी बहनें बापूजी के लिए रो रही हैं, बापूजी आओ जल्दी आओ बापूजी, और एक लड़की के कहने पर ऐसे बापूजी को कैसे इतना गलत आरोप कैसे लगा सकता है कोई। तो फिर मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, मैं बापूजी से मन ही मन बोलती थी। फिर बापूजी आए, बोले चिंता मत कर, तेरे जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सपने में उन्होंने मुझे पहली बार दर्शन दिया। मैंने तो दीक्षा भी नहीं ली थी और मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी को। तो तब से मेरी श्रद्धा हुई गुरुजी के प्रति, और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि बापूजी अब देर ना करो, जल्दी आ जाओ। गुरुदेव के यहाँ आने के बाद तो कहीं जाना रह ही नहीं जाता है, फिर यहीं आओ, यहीं से पूरा आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि ब्रह्मज्ञानी गुरु ऐसे धरती पर अवतरित हो और ऐसे सबको ब्रह्म ज्ञान मिले और ऐसे दिशा मिले लोगों को। ये बहुत ही दुर्लभ है। मेरे जैसे तो कितने ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव से दिशा लेना चाहते हैं, मेरे जैसी महिलाएं भी कितनी हैं जो चाहती हैं कि बापू जी आए और हमें दिशा मिले। हम तो कितनी राह देख रहे हैं। और आज बापू के जन्मदिन के दिन पर मैं यही बोलना चाहूँगी लोगों को कि आज के दिन अगला जन्मदिन बापू का आए उसके पहले बापू हमारे बीच आ जाए, बस यही। और बापू से भी यही प्रार्थना है कि बापू अब और देर ना करो, हमारा भी जीवन सार्थक बनाओ, हमें भी ऐसा मौका दो आपके दर्शन का, दिशा का। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम ये बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि क्या बोलें बापू के लिए, क्योंकि ये शब्दों की बात नहीं है।